नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। हल्दोचोड़ के परमा गांव स्थित श्री नित्यानंद पाल आश्रम गोधाम में मंगलवार 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव को भव्य एवं दिव्य रूप से मनाने के लिए सैकड़ों भक्तों का यहाँ नई गौशाला में तांता लगा रहा। आश्रम के प्रबंधक स्वामी रामेश्वर दास जी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के 16 करोड़ भगवान के नाम हनुमान जी को अर्पित किए गए, क्योंकि हनुमान जी को प्रभु का नाम सर्वाधिक प्रिय है। उन्होंने बताया कि इसमें हजारों भक्तों द्वारा जप कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। हरिनाम महामंत्र जाप के पश्चात साय विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामेश्वर दास, भरत श्रेष्ठ दास, गोपीनाथ, नारद मुनि, कमलेश भट्ट, जगदीश अग्रवाल, बीडी खोलिया, चंदू खोलिया, राजेंद्र बिष्ट, केवल पांडे, कुंती माता, मीनाक्षी देवी, लक्ष्मण दास सहित अनेकों भक्त मौजूद रहे। संकट दे हनुमान चुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सुमिरि करन सत पावन नामा, सुमिरि करन सत पावन नामा, अपने बस करि राखे राम। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ये हनुमान जन्मोत्सव आपके जीवन में नई खुशियाँ लाए, भक्ति लाए एवं श्री राम की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। और आज ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम हल्दोचौड़ में 1600 भक्त लोग 16 करोड़ हरिनाम का जप कर रहे हैं। विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए ये नाम जप किया जा रहा है। इस गोधाम हल्दोचौड़ के महाराज रामेश्वर दास जी के द्वारा ये संकल्प लिया गया था। पिछले वर्ष भी 11 करोड़ हरिनाम का जप किया गया था, इस बार 16 करोड़ हरिनाम का जप किया जा रहा है। 6 घंटे तक जप चलेगा, उसके बाद शाम को 6 बजे भोजन प्रसाद भंडारा होगा, जिसमें सभी आकर भोजन प्रसाद ग्रहण करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।